में मटन करी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, 1 केजी मटर है, 1/2 केजी प्याज है, और ये मसाला लहसुन प्याज और जीरा मिला के पीस लेंगे और ये फोरन में डालेंगे। ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता और ये सूखा मिर्चा। और मटन में सरसों तेल ही डालिए, सरसों तेल से ज्यादा रंग चढ़ता है और अच्छा बनता है। देखिए, तेजपत्ता, ये दालचीनी छोटी छोटी 2, और ये 4 सूखा मिर्चा, 1 बड़ी इलायची, और ये 4 छोटी इलायची। ये देखिए, इसमें थोड़ा प्याज पहले डाल के इसको थोड़ा जला लेंगे, उसके बाद मटन और प्याज डाल के प्याज को काट के इस तरह से इसको अलग कर लीजिए, और अलग करके ये जल्दी से भुना जाएगा। इसको कर लीजिएगा, देखिए ये हो गया, सब छोड़ दिया। देखिए दूसरे को, और प्याज थोड़ा भूरा होगा, मटन डालेंगे, ये भूरा 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 है, भूरा और होगा, उसके बाद इसमें मटन डालेंगे। इस तरह बनाने से ना फोरन जला के सब कलर बना के देखिएगा, कलर अलग आएगा और उसका स्वाद भी अलग होगा। ये बिहारी स्टाइल का मटन बनता है। प्याज हो गया, इसमें मटन डाल देते हैं। मटन ढक दिए हैं और अभी ये मसाला तैयार कर ले रहे हैं। चलिए इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। 2 प्याज है, 3 प्याज है, और ये कच्चा मिर्चा है। आप लोग जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उतना मिर्चा डालें। और ये आदी है, और ये जीरा। मैं पीसा हुआ मसाला ही बनाती हूँ, मुझे गुंडी वाला मसाला जो होता है वो मसाला मुझे पसंद नहीं, उसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है, इसीलिए मैं अपने हाथ से मसाला तैयार करती हूँ। देखिए, 1 बार पकाए हैं, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज काट के रखे थे, अब ये प्याज डाल देंगे। इसको तब तक पकाएंगे कि प्याज गल नहीं जाए, मीट अपना मत तेल पानी छोड़ेगा, तेल छोड़ेगा तब तक ये पकेगा। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया पिसा के।
बनाते लोग के मुंह से पानी गिरने लगता है मटन देख के, बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए प्याज अब पानी छोड़ने लगा है, धीरे धीरे गलेगा कम आँच में। देखिए प्याज अब गल गया, अब इसमें मसाला डालते हैं। मसाला पीस के रखे थे उसको डाल के, ये देखिए मैं बड़ा एक आलू काट के डाल दे रही हूँ। लोगों को पसंद हो तो डालिएगा, मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं डाल देती हूँ। हल्दी थोड़ा कम डालेंगे, मटन लाल अच्छा लगता है। लोग कच्चा मिर्चा खाते हैं इसीलिए थोड़ा हरा हरा जैसा लगता है, इसमें ज़्यादा कश्मीरी मिर्च लगेगा। नमक स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। ये कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं। अब इसको 15-20 मिनट तक ढक ढक के इसको कम आँच पर इसको भूजना है कि भूज के मसाला एकदम लाल हो जाए। जा गया है, अब इसको कुकर लगा के एक सीटी लगाते हैं। हो गया मटर, अब बंद कर दे रहे हैं। एक सीटी दिया, हो गया। देखिए बन गया मटन मेरा।